हेलो दोस्तों, नरसिंह भाई में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जिपमेर पांडुचेरी का जो नर्सिंग ऑफिसर का जो रिजल्ट है वो आज डिक्लेयर कर दिया है, वो रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, और इसी के साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह होगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, और साथ ही साथ स्किल टेस्ट कैसे होगा, और स्किल टेस्ट में क्या क्या चीज़ चाहिएंगे, किस किस तरह से जो स्किल टेस्ट होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जिपमेर का रिजल्ट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको गूगल क्रोम खोलना है और डेस्कटॉप मोड ओपन कर लेना है। यहाँ से हम डेस्कटॉप मोड ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में आपको जिपमेर JIPMER लिखना है, और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पहले ही आपको ये वेबसाइट, फर्स्ट वेबसाइट आपको दिखने लग जाएगी। जैसे ही इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप जिपमेर की मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे, और इस मेन वेबसाइट पर आएंगे तो आपको क्या है कि नीचे जाना है, और यहाँ पर आपको जॉब सेक्शन मिलेगा जो आपको यह दिख रहा है। जॉब सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप जॉब पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट में मिल जाएगा प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑफ वेरियस ग्रेड बी एंड सी पोस्ट CBT held on 4th September 2022 for Jipmer Panducherry on regular basis। ये आपको मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप इस जगह आ जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर नोटिस फॉर कैंडिडेट, प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट और नर्सिंग ऑफिसर शेड्यूल ऑफ स्किल टेस्ट, तो ये आपको सभी जानकारी यहाँ से मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ नर्सिंग ऑफिसर के लिए है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही आपको PDF डाउनलोड हो जाएगी। ये PDF है, इसमें नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट है। इसके साथ में हम इस नोटिस पर क्लिक करते हैं। ये नोटिस कैंडिडेट के लिए क्या नोटिस दिया हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें है प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट फॉर जिपमेर पांडुचेरी फॉर सर्टिफिकेट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट। जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग है ये, तो इसमें क्या है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड ऑन 4th September 2022, द कैंडिडेट मेंशन इन द एनेक्सर आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर सर्टिफिकेट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट। तो ये उन्होंने जो आपका स्किल टेस्ट होना है उसके लिए जो डेट फिक्स की है। अब ये फर्स्ट लिस्ट है, ये तो उनकी है रेडियोग्राफर, रेडियो डायग्नोसिस एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो इसको तो हमको नहीं देखना है। नेक्स्ट है नर्सिंग ऑफिसर, इसको हमको देखना है। द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एज मेंशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। अब इसमें आपको जो स्किल टेस्ट होना है वो स्किल टेस्ट के लिए जो लिस्ट ऑफ एनेक्सर ए, जो ए वालों को, इसमें तीन लिस्ट हैं, ए फर्स्ट लिस्ट वालों को क्या है कि 11 अक्टूबर 2022 8 बजे वहाँ पहुँचना होगा, और जिनका बी में है उनको 12 अक्टूबर और जिनका सी में है उनको 13 अक्टूबर में पहुंचना होगा। ये स्किल टेस्ट की डेट है। साथ ही हम नीचे देखते हैं, द कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। और कैंडिडेट को क्या ले जाना है, जो ये सभी सर्टिफिकेट दिए हुए हैं ये लेके जाने हैं, और साथ ही सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको लेके जानी है। तो क्या क्या लेके जाना है, रैंक लेटर, सेम कैन बी डाउनलोड बाय जिपमेर वेबसाइट, जो जिपमेर की वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा रैंक लेटर, और प्रूफ ऑफ एज का प्रूफ, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट भी होती है और बर्थ सर्टिफिकेट हो तो अच्छा है। और नेक्स्ट है रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी नर्सिंग की क्वालिफिकेशन है वो, और नर्सिंग की मार्कशीट हैं और 10th 12th नर्सिंग की मार्कशीट, साथ में आपका नर्सिंग का सर्टिफिकेट,
और सर्टिफिकेट से रजिस्ट्रेशन के साथ में रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, यदि एप्लीकेबल है आपने यदि मेंशन किया तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और साथ ही लेटेस्ट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी जो जो जिस कैटेगरी से आता है, जो कैटेगरी में किसी ने जो फिल किया है इन कैटेगरी में से, तो उनको उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो सर्टिफिकेट होता है वो उनको बनवा के लेके जाना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय इफ़ एप्लीकेबल, यदि कोई एम्प्लॉय है कहीं पे तो उनको एनओसी लेके जाना होगा। और इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एवब मेंशन डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सेम, ही शी विल नॉट बी अलाउड फॉर द फर्दर प्रोसेस अनलेस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो यदि कोई कैंडिडेट ये डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाता है तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है आपका द लिस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर नोटिफाइड फॉर बायोमेट्रिक एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट परपज ओनली, जो बीइंग प्लेस्ड ऑन द शॉर्टलिस्ट प्रोवाइड्स नो एश्योरेंस दैट द पर्सन विल बी ऑफर्ड ए जॉब एज द सेम इज नॉट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। अब जो भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया है और उनको उन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और बायोमेट्रिक होगी, और ये कोई एश्योर नहीं है कि उनको कन्फर्म फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में उनको मैंसन किया ही जाएगा, तो और द फाइनल सिलेक्शन सेल वी नोटिफाई ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट एंड वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट। जो फाइनल सेलेक्शन लिस्ट जो बनेगी किसके बेसिस पे बनेगी, जिन कैंडिडेट ने बायोमेट्रिक कंप्लीट किए हैं साथ ही सर्टिफिकेट हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट सही हुई है और साथ ही वो स्किल टेस्ट में पास हुआ हो। इन केस द कैंडिडेट क्वालिफाई अंडर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, दे हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर द मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट बाई द जिपमेर, द डिसीजन ऑफ जिपमेर मेडिकल बोर्ड विल बी फाइनल विद द रिगार्ड टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी। यदि कोई कैंडिडेट जो कि पीडब्ल्यूडी से किसी ने भरा है तो उनका वहाँ पर मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि वो पीडब्ल्यूडी में है या नहीं है, उसका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में डिसीजन के बाद में ही उनको इंक्लूड किया जाएगा। और इसके साथ में कोई भी TADA नहीं मिलेगा आपको। 13th नंबर पॉइंट है कैंडिडेचर इज प्रोविजनल, ही सी मस्ट देयरफॉर इंश्योर दैट सी सी फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी ले डाउन इन द एडवर्टाइजमेंट। जो कैंडिडेट है वो सभी जो भी सेलेक्ट हुए वो प्रोविजनल ही हैं, और उसके अलावा उनको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट के में जो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है उसी उसके अकॉर्डिंग उनको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि वो नहीं कर रहे किसी भी स्टेज में उनको पता चलता है तो वो कैंडिडेट को कैंसिल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो और लास्ट पॉइंट है नो इंडिविजुअल कॉल लेटर विल बी सेंट टू द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग सर्टिफिकेट बायोमेट्रिक स्किल टेस्ट वेरिफिकेशन, और अलग से कोई भी आपको कोई लेटर नहीं भेजा जाएगा। ये फर्स्ट नोटिस ये कंप्लीट हो गया। अभी जो हम डिस्कस करने कर रहे थे कि जो कौन कौन से कैंडिडेट हैं, जो तीन लिस्ट हैं वो ये आप डिस्प्ले में देख रहे हो, ये तीन लिस्ट हैं एनेक्सर ए बी और सी। इन कैंडिडेट को उन्होंने 11 12 13 अक्टूबर को बुलाया है। जैसे कि मैं एक लिस्ट को ए लिस्ट को डाउनलोड करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये ए है, तो इन सबको स्किल टेस्ट के लिए उन्होंने बुलाया है। तो आप अपना नाम चेक कर सकते हो और साथ ही साथ वेबसाइट पे जाके अपना जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो स्किल टेस्ट के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में है आपको ओवरऑल मेरिट, जो सभी कैंडिडेट हैं नर्सिंग ऑफिसर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो अपनी ओवरऑल मेरिट चेक कर सकते हैं कि किसकी कितनी है। तो जैसे मैंने अभी इस पर क्लिक किया है तो ये ओवरऑल मेरिट है। तो ऐसे आप अपनी मेरिट लिस्ट में अपना नाम, रैंक नंबर
और साथ ही जो भी आपके मार्क्स हैं वो चेक कर सकते हो। और इसके अलावा आप अपने जो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए या तो वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें, अपने ईमेल एड्रेस को चेक करते रहें और साथ ही साथ हमारे चैनल पर भी विजिट करते रहें। जैसे ही कोई लिंक आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। और साथ ही मैं एक आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैंने स्किल टेस्ट के लिए आपके लिए वीडियो बना रखी है। आपको स्किल टेस्ट के बारे में जानना है कि स्किल टेस्ट में क्या आता है, कैसे आता है और क्या प्रोसेस होती है, किस तरह बुलाया जाता है, वो सारी जानकारी में आप इस वीडियो में देख सकते हो। जैसे ही आप यूट्यूब में जाएंगे तो आप नर्सिंग वाईफाई सर्च करेंगे, आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर आप हमारे चैनल पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट स्किल टेस्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें आपको वो सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी किस तरह आपको स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना है। यहाँ पर स्किल टेस्ट की जो वीडियो है, जैसे आप देख रहे हैं, ये TMC वाराणसी का स्किल टेस्ट होना है उसके लिए बना रखी है। लेकिन जो ये सेकंड नंबर की वीडियो है, पार्ट सेकंड, इसमें ओवरऑल जितने भी आपके स्किल टेस्ट होते हैं वो पूरी जानकारी इसमें कम्प्लीट मिल जाएगी। और स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग जो जो आपके इंस्ट्रूमेंटल जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाता है, जो भी आपकी जानकारी पूछी जाती है, वो सब इसमें आपको मिल जाएंगी। तो या हमारी इस स्किल टेस्ट की प्लेलिस्ट पर विजिट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।